तो आज मैं हूँ पंजाब के सबसे सुंदर और सबसे पवित्र शहरों में से एक शहर अमृतसर में। और अमृतसर को पंजाब की धड़कन भी कहा जाता है, और इसी को फील करने के लिए आज मैं खुद अमृतसर आया हूँ। और अमृतसर में आते ही सबसे पहले मैं चला जाता हूँ गोल्डन टेम्पल की तरफ। वैसे तो गोल्डन टेम्पल को दरबार साहिब और हरिमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, तो मैं भी चल देता हूँ गोल्डन टेम्पल के अंदर। और अंदर जाते ही आपको एक अलग ही तरीके का सुकून महसूस होगा। अंदर जाकर इस गुरुद्वारे का कोना कोना देखता हूँ, क्योंकि सिख धर्म का ये मानना है कि उनके लिए सेवा सबसे ऊपर है, और वो मुझे अंदर जाकर देखने को भी मिलती है। और जैसा मैंने सुना था, ये गुरुद्वारा अंदर से उतना ही सुंदर और पवित्र भी था। सिख धर्म का ये मानना है कि गुरुद्वारे में आने के बाद कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर 24 घंटे हमेशा लंगर चलता रहता है। और यहाँ पर आपको बूढ़े से लेकर बच्चे तक हर कोई संगत के अंदर सेवा करते हुए दिखाई देगा। इस गुरुद्वारे पर अफगान के हमलावरों ने बहुत बार इसे हमला कर गिराने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार सिख धर्म के लोगों ने इसे पुनः खड़ा कर दिया। और फाइनली 1801 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह ने इसे मार्बल और कॉपर के साथ साथ इसकी ऊपरी सतह को सोने से भी कवर करवाया, और जिसके बाद इसे